फाइनली जो है ये गंजा होने का काम शाम के 5:30-6 बजे अंजाम दिया जा चुका है। ये लाइट गोल्डन सा कलर है, ये बड़ा प्यारा मुझे लगा था, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैंने अपना टूट का ये यूज़ कर लिया है, सुरमा और खोपरे के साथ। फर्स्ट टाइम दोनों बच्चों की चीज़ें पैक कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बैग कितना बड़ा हो जाएगा, तो समझ में उसमें लेके चला जाता हूँ, तो मैं भी एग्री हो गई, चलो चलो चलते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ, पहले तो खामोशी से मनीषा को कॉल करके गेट खुलवाया है कि मैं अम्मी को जाके सरप्राइज दूंगी। कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है आज वेंसडे है, और आज जो है आज हमने करवाना है मुन्नी को टेंट करवानी है हमने, क्योंकि आज छठी है, तो हम इसको गंजा करवाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, जो भी प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी 12 बज रहे हैं और यहाँ पे कपड़े वपड़े धुल रहे हैं, जब तक कपड़े वपड़े धुल जाएंगे उसके बाद फिर मेहरान जब ऑफिस से आएंगे तो मेहरान मुन्नी को गंजा करवाने लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं हम क्या करेंगे। इनकी भी मॉर्निंग हो रही है, बार बार सुबह से जागे जा रही हैं। बहुत ही हमारी कोई नींदें जो हैं ख़राब हुई हुई हैं, बिल्कुल भी हम सो नहीं पा रहे सही से। इनकी यहाँ पे टिंड हो रही है, आप डर रही हो आपको डर लग रहा है, बेबी बेबी को गंजा कर रहे हैं। कल तो बहुत ज्यादा हाँ, आपको भी गंजा करवा दें, आपको भी करवा दें गंजा, मेरा इसको भी करवा दो क्या, करवाते हैं बच्चों को गंजा। इधर देखो, इधर ये हमारे नाई जो भाई आए, इनको इतनी प्रैक्टिस है बच्चों की, वो मेहरान को सिखा रहे हैं, फिर पिला दिया, अब डकार लगाओ इसको, डकार दिलवाओ। इनको इतनी प्रैक्टिस है, कहने फिर पिला दिया, अब डकार दिलाओ। खोपरा ये यूज़ कर लिया है, सुरमा और खोपरे के तेल का, जो हमने इनके सर पे कर दिया अप्लाई। फाइनली जो है ये गंजा होने का काम शाम के 5:30-6 बजे अंजाम दिया जा चुका है। अब मैं जो इनको सूट पहना रही हूँ वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब इनको नहलाना भी है, पानी भी गर्म हो चुका है। सो आज के लिए मैंने सेलेक्ट किया था कि मैं इनको ये वाला सूट पहनाऊँ, ये लाइट गोल्डन सा कलर है, ये बड़ा प्यारा मुझे लगा था, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इनको ये छठी पे पहनाऊंगी, क्योंकि वाइट और पिंक को ज़्यादा ही हम पहनाते हैं बच्चों को। वैसे मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम बच्चों पे वाइट कलर तो बहुत ही प्यारा लगता है और पिंक भी प्यारा लगता है, बट जो है मैंने वाइट और पिंक को फर्स्ट डे पहना दिया था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं अब वाइट कलर का नहीं पहनाने वाली छठी वगैरह पर, मैंने ये गोल्डन कलर का ड्रेस सेलेक्ट किया है कि मैं आज इनको ये वाला सूट पहनाऊँगी। सो तो चलते हैं इनको नहलाने, अब मैं इनको नहलाने जाऊंगी, अम्मी आ रही हैं ऊपर और अम्मी ही नहलाएंगी वैसे तो, क्योंकि मैं तो सही से अभी नहला नहीं पाऊंगी, सही से बैठ बैठ नहीं पाऊंगी, तो अभी अम्मी आ रही हैं ऊपर नहलाने के लिए। मैं यहाँ पे सारा काम कर लेती हूँ, मेरे हाथ भी काले हो गए सुरमे और ऑयल की वजह से, मुँह पर भी लग गया है हमें, ये देखो मुँह पर भी लगा लिया है ये जो कि किया इन्होंने। फिर उसके बाद मैंने भी रेडी होना है, मैंने भी नहाना है, मैं इसलिए नहीं नहाई थी, मैंने कहा पहले मैं इसको रेडी कर दूँ उसके बाद नहाऊँ, तो अब पहले मैं इनको रेडी करती हूँ उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। आप भी मेरे हाथ देख रहे होंगे कितने काले हो गए, मैंने पता है क्या गलती कर दी, पहले मैंने जो है ना वो सर में मैंने पहले लगा दिया उसके सुरमा और वो जो ऑयल, तो अब मुझे ये नहीं पता था कि उससे पहले ना आटे की
लोई करके आटे का पेड़ा बना के वो जो मलते हैं तो बच्चों के जो रुआ वगैरह होता है वो हट जाता है। अब मैंने पहले फ़ौरन से ना ऑयलिंग कर दी उसकी सुरमे में मिला के, और उसके बाद मैंने तो मुझे भी नहीं पता था तो मैंने कहा मैं चले देर में ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने ना ऐसे किया और पूरा मुन्नी का भी पूरा मुँह काला हो चुका है, मेरे हाथ पास सब कपड़े और मुन्नी के भी कपड़े काले हो चुके हैं। और जो है पहले अब तो ना बच्चों की वैक्सिंग होती है, अब तो बच्चों की बाकायदा ना वैक्स होती है, न्यू बॉर्न बच्चों की वैक्स होती है। बट जो है मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या ये चीज़ सही है या चीज़ सही नहीं है, तो पुरानी प्रोटोकॉल मान लो लोई कर दो। ओके जी, हम अब नहलाने जा रहे हैं मम्मी को। हाँ सब कुछ वहीं पे ही रखा हुआ है ना। तो अभी ये जा रही हैं मुन्नी नान अम्मी की यहाँ अपनी, इनको रेडी कर दिया है हमने और ये रेडी हुई हैं। और आने फर्स्ट टाइम तो दोनों बच्चों की चीज़ें पैक कर रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बैग कितना बड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी क्या पे रखूँ, यहाँ के भी पैम्पर्स, मुन्नी के भी पैम्पर्स, मुन्नी के भी कपड़े, यहाँ के भी कपड़े। अच्छा, हम अचानक जा रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए। हाँ, हम अचानक जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कि हम आ रहे हैं, आज ये छठी ना आई है तो इस वजह से हम जा रहे हैं और हमने किसी को बताया नहीं क्योंकि जाते नहीं है। तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी और मैंने मुन्नी को भी कर दिया तैयार। तो इन्होंने सोचा कि चलो ना मैं तुम्हें अपनी अम्मी तुम्हारी अम्मी से मिलवा के लेकर आ जाता हूँ। मैं वैसे मना कर रही थी कि मेरे स्टिच वगैरह में पेन ना हो जाए, बट इन्होंने कहा ऐसा ऐसा मैं तुम्हें लेके चला जाता हूँ, तो मैं भी एग्री हो गई चलो चलो चलते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ, पहले तो इरहा का सामान रखती थी तो अब ऐसा लग रहा है घबराहट हो रही है कि जो ना मैं और बैग में अपने क्या क्या एडिशन करूँ, दूध का डब्बा भी, फीडर भी, इरहा के जो इरहा के टाइम पे था वो गर्म पानी की फीडर भी, इरहा की तो फीडर पीती नहीं थी तो पता पता ऐसा होता था पैम्पर रखे और वाइप्स रखे और बस सूट रखा और चल दी। अब बट ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या रखूँ। अभी स्टार्टिंग है तो खामोशी से मनीषा को कॉल करके गेट खुलवाया है कि मैं अम्मी को जाके सरप्राइज दूंगी और अम्मी शॉक्ड रह जाएंगी कि वो बस छठी वाले दिन आ गई हो, अम्मी इतना स्लो स्लो इसलिए बोल रही हूँ ताकि ऊपर अम्मी को आवाज़ ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ना, मम्मी को भी मैं ही पकड़ूँगा पता है। इन्होंने चलो तो मैं लेके ही चलता हूँ, आराम आराम से मैंने कहा मिल रहा हूँ। ठीक है बैठो बैठो, अरे मुन्ने तो देख के तो प्यार लग रहा है। और यहाँ
यहाँ पे जो है मैं पिक्चर खिंचवा रही हूँ मम्मी के साथ, और यहाँ पे हमारे दोनों छोटे जो हैं वो हम उन दोनों का फोटो शूट करेंगे। दो छोटे छोटे लिटिल मंचकिन इतने प्यारे लग रहे हैं। अप्पा को देख रहे हो? अप्पा को देख रहे हो भाई? छोटू तो देखो, कुछ देख रहा है मुझे अम्मी। येलो ये तो बिल्कुल ही फिसल गई। अम्मी इसको तो देखो, मुझे कैसे देख रहा है, क्या हुआ? हाला जाने दोनों के लिए शायद देख के यूं इधर मुंह करके यूं देख। अब ले यार, है वो तो भाग गई फौरन। ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए गई थी। उसके बाद फिर हमने घर पे आके अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट किया, जो मैंने आधा दोपहर में ही बना लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज रेडी होना है, तो क्यों ना मैं ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊँ। तो हमने ये घर पे आके कंप्लीट किया था ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। बट क्या है कि वीडियो तो बनानी थी, तो खैर यहाँ पर हमने टिकटॉक्स वगैरह बनाई और अम्मी के जो तस्वीरें खिंचवाई थी वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। वहाँ पर हमने तस्वीरें खिंचवाई थी क्योंकि घर से जब हम निकले थे तैयार होकर तो टाइम नहीं था कि हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाते। तो ये था आज का छुट्टी का व्लॉग, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल, बाय।